ठीक है, सेकंड हमने ऐसे बोल दिया कॉस इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स 1/√6, ठीक है, प्लस यहाँ पर बोल दिया कॉस इनवर्स √10 -1/√2। ये हमें प्रूफ करो कि ये कितना है, कॉस इनवर्स 2/3, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले वाले तरीके से करते हैं जहाँ हम कॉस को अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा ध्यान किस में रहेगा, अब इसमें रहेगा, ये वाले टर्म में, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ ऐसे लिखा है, कॉस इनवर्स √10 -1, ये कितना हो जाएगा 3√2। हमारी कोशिश ये होगी कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये इसमें हो जाए एक्स वाई माइनस रूट, ठीक है, 1 - x² इंटू ये कितना हो जाएगा 1 - y² हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये कैसे ओपन हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में हो जाएगा, मतलब इसमें कोई कंडीशन आएगी ही नहीं, क्योंकि प्लस लिखा है ना, ए प्लस बी क्या हो जाता है, 0 से लेके π जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं आएगी। कंडीशन पहले वाली में आई थी क्योंकि यहाँ पर इसमें यहाँ पर प्लस लिखा था, ठीक है, इधर यहाँ पर ये जो माइनस लिखा है ना, इधर यहाँ पर ये प्लस लिखा था, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे यहाँ पर ओपन जब किया था तो यहाँ पर माइनस आ गया था, तो वहाँ पर कंडीशन होती है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हम लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हमें कैसे तोड़ना है, तो हमने क्या किया, चलो इसको अलग अलग किया, ये कितना हो जाएगा ऐसे माइनस, ये कितना हो जाएगा 3√2 गया, ठीक है। कोशिश करो कि यहाँ पर ये जो टर्म्स लिखे हैं, ठीक है, इस तरह से ये जो टर्म लिखे हैं इसके रिस्पेक्ट में आ जाए कुछ। तो हमने क्या किया, चलो ये वाले को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी 10 का हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, दूसरे वाले टर्म को करते हैं। तुम किसी भी टर्म को कर सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तुम्हारी मर्जी है तुम एक्स और वाई किसको मानो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको एक्स और वाई मानूँ और ये जाके यहाँ पर ऐसे बन जाए, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, तुम इसको एक्स और वाई मानो तो ये बन जाएगा अपने आप ऐसे, फिर तुम क्या करो इसको बस पलट के लिख दो, और क्या क्या दिक्कत है, आ रहा समझ में यहाँ पर क्या करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक्स और वाई पहले आया, तुम तो उसको पलट सकते हो ना। तो हमने क्या किया, इसको देखा जरा, तो यहाँ पर क्या चाहते हैं हम लोग, अगर मैं √3 को ऐसे लिख दूँ, मतलब ये जो 3 लिखा है ना यहाँ पर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ √3 × √3, तो यहाँ पर √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, बन रहा है ऐसा टर्म, ठीक है, बन रहा है ये टर्म, मतलब 1/√3 और 1/√6 बन रहा है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक्स के यहाँ पर 1/√3 है, और यहाँ पर कितना है वाई, यहाँ पर कितना है 1/√6 है, पर पूरा तभी होगा जब ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है, ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है, ये वाली क्वांटिटी ये बन जाए, तो ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1/3, इसका रूट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी चेक कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1/6, तो ये कितना हो जाएगा √5/6 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन देखो कितना हो जाएगा, √2/3 × यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/6, तो ये ऊपर √10 तो हो ही रहा है, और नीचे भी यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम देख सकते हो, अच्छा हाँ बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3√2 और √10 आ रहा है, सही मतलब बन रहा है, राइट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो लिखा है सही लिखा है, ये कितना लिखा है 1/√3 लिखा है, इसको क्या लिखा 1/√6 लिखा, इसको हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया 1 - 1/3, ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा √1 - 1/6, ये हो गया ऐसे, आ रहा समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई हमने इसको माना अभी फिलहाल, और ये ऐसे बन गया। तुम इसको भी एक्स और वाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसको भी तुम अगर एक्स और वाई मानोगे तो अपने आप यहाँ पर जब तुम ये लगाओगे दैट इज 1 - x² करोगे तो ये अपने आप बन जाएगा, पर इसको एक्स और वाई मानने का कोई फायदा नहीं है, क्यों बताओ, क्योंकि अगर मैं इसको एक्स और वाई मानता हूँ तो ये वाले टर्म नहीं आ पाएंगे, ये वाले टर्म नहीं कट पाएंगे, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब अगर मैंने बोल दिया कि तुमने चलो इसको एक्स और वाई मान लिया, देखो इधर ध्यान दो, इसको एक्स और वाई मान लिया तो बन तो जाएगा यहाँ से ये और ये बन तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे यहाँ पर क्या होगा, ये वाले टर्म्स नहीं कटेंगे इनिशियल वाले, आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको माना है, तो अब देखो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं सही से, ये क्या लिखा है यहाँ पर √10 - 1/, यहाँ पर कितना था 3√2, ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या क्या आया, ये आ गया 1 - 1/3, √1 - 1/6 माइनस यहाँ पर कितना था 1/√3, और ये जगह 1/√6, इसको तुम पलट दो क्योंकि तुम्हें इस तरह से खोलना है ना, तो जब तुम इसको पलटोगे तो एक माइनस साइन पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3, और ये जगह 1/√6 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3, मतलब √1 - 1/3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, बहुत मेहनत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस साइन को अगर तुम्हें बाहर निकालना, तो मैंने तुम्हें बताया था ऐसे निकलता है π - cos इनवर्स, ठीक है, और अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ डायरेक्टली,
पाई माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे माइनस साइन बाहर भेजना था, ठीक है। और जब तुम इसको ओपन करोगे तो ये कितना जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये जाएगा 1/√3 प्लस आएगा बीच में, ठीक है। ये कितना जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√6। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं और फिर से चालू करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या आ गया, ये तो चलो पहले से ही है क्वेश्चन में, ठीक है। माइनस ये कितना लिखा है, कॉस इनवर्स 1/√6। यहाँ से क्या क्या आ गया मेरे पास, पाई माइनस, ठीक है, ये जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, और यहाँ पर अंदर माइनस साइन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√6, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है इधर, यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो तुम देख सकते हो एक आध टर्म तो कट रहा है, चलो ये वाला टर्म कट गया, ये वाला टर्म कट गया, बाकी यहाँ पर कितना गया, पाई माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस इनवर्स 1/√6, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस इनवर्स 2/3 प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, चलो 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√6 हो गया। तो यहाँ पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाता है, साइन इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin inverse 1/√6 हो गया। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अगर इसको मुझे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, इसको हमने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, sin θ = 1/√6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये बन क्या जाएगा, ये 2θ बन जाएगा, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये 2θ बन गया और मुझे कॉस इनवर्स चाहिए, तो तुम क्या कंसीडर कर लो, cos 2θ। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें इस चीज़ समय समझ में आना चाहिए कि अगर sin θ दे रखा है और तुम्हें 2θ चाहिए, पर अगर यहाँ पर तुम्हें कॉस इनवर्स चाहिए, तो तुम cos 2θ मान लो, क्यों, अरे ये कॉस इनवर्स जाएगा ना उधर, तभी तो जाके 2θ बनेगा उधर, और कॉस इनवर्स उधर जाएगा तभी तो वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसका फॉर्मूला लिख दो, 1 - 2 sin²θ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 - 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, तो ये 2/3 आ रहा है, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा cos 2θ = 2/3, तो सीधी सी बात है, 2θ कितना हो जाएगा, कॉस को उधर ले जाओ, cos inverse 2/3। आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्या पर क्या किया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया इसको करने का। एक और तरीका यहाँ पर क्या था, तुम tan में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, तुम tan में कन्वर्ट करो और तुम खुद से ट्राई करो इसको, मैं नहीं करूँगा, मैं एक बार कर चुका हूँ, ठीक है। तुम खुद से ट्राई करो, किसको ट्राई करना है, ऑब्वियसली तुम्हें ये वाले को ट्राई करना है, पहले सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करो और कोशिश करो, चेक करो कि कहीं गलती से परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बनाया था। हो सकता है बन जाए, हो सकता है नहीं भी बने, कोई जरूरी थोड़ी ना है। और बाकी सबको तो tan में तुम ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये वाले को कन्वर्ट कर लो, ये वाले को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जैसे ही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कंबाइन कर लेना पूरा, तो लास्ट में जो भी tan में आएगा उसको क्या करना, cos में कन्वर्ट कर लेना, तो प्रूफ हो जाएगा। करके देखो जी, ठीक है, करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। ओके, हम लोग आगे करते हैं। तो एक बात और ले लिया, चलो tan इनवर्स 1/√2 माइनस यहाँ पर लिख लिया tan इनवर्स √5 - 2√6 अपॉन 1 + √6 कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू π/6। ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वैसे ही हो गया, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है। तो अगर तुम देख सको तो क्या बता रहे हैं देखने के लिए, देखो ये जो लिखा है ना 5 - 2√6, ये तो बिल्कुल वही तो लिखा है, 3 + 2 - ये हो जाएगा 2, इसको √3 बोल दिया, इसको √2 बोल दिया, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, √3² + ये कितना हो जाएगा, √2² - 2 times 3, और ये हो गया ऐसे। तो यहाँ से कितना हो गया, √3 - यहाँ पर कितना हो गया, √2 हो गया, ठीक है, का स्क्वायर हो गया। और इस पूरे पे रूट लिखा हुआ है, इस पूरे पे रूट लिखा है, तो मतलब ये कैसे खुल जाएगा, √3 - √2, सही है, ठीक है। मतलब ये तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ है, हमने कन्वर्ट करके यही तो किया था। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 - √2 अपॉन ये कितना देगा, 1 + √6 को कैसे लिख दिया, √3 * √2, ठीक है। तो बस इसको तुम्हें ओपन ही तो करना है, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो गया, इसको आगे करने का मतलब ही नहीं है। ये कितना जाएगा, tan inverse √3 माइनस ये कितना देगा, tan inverse √2, ठीक है। इसके आगे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया, जिससे तुम फिर से देखो कैसे यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है टेन के, इसमें वो तुम करना है, ठीक है। हम लोग और आगे लेते हैं, चलो क्या ले लिया, फोर्थ वन हमने बोल दिया, चलो इसको प्रूफ करो, cos 2 tan inverse 1/7 = sin 4 tan inverse 1/3, ठीक है, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो तुम कैसे प्रूफ करोगे इसको, तुम क्या करो, यहाँ पर एक एक करके इसको मान लो, जैसे LHS को पहले लो,
LHS अगर मैंने यहाँ पर लिया तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, cos 2 tan inverse कितना लिखा है 1/7 लिखा है। तो हमने क्या किया इसको, चलो थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 1/7, ठीक है। और ये यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। तो एक काम करो cos 2 थीटा निकाल लो, ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus tan square theta अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 plus tan square theta, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा 1/7 मतलब 1/49, और ये हो जाएगा 1 plus 1/49। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 48 अपॉन ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 24/25, ये यहाँ पर क्या आ गया cos थीटा की 2 थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है 24/25, ठीक है। अब RHS लो, RHS यहाँ पर क्या लिखा है, साइन ये हो जाएगा 4 tan inverse 1/3, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर tan inverse को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan थीटा, अच्छा ये दोनों थीटा सेम नहीं है, दोनों अलग अलग थीटा है, मतलब अलग अलग कर रहे हैं, तुम चाहो तो 5 मान लो कोई दिक्कत नहीं, चलो 5 मान लिया, ठीक है। tan 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा हो जाएगा। आर एस वन में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन 4 5 हो जाएगा, राइट 4 5 हो जाएगा ये। तो ऐसे तो नहीं करोगे कि यहाँ पर 10 5 से 4 5 तक जाओगे, तो तुमने क्या किया इसको तुम तोड़ दो। जैसे तुम कैसे तोड़ोगे इसको, ऐसे तोड़ दो, यहाँ पर 2 tan 2 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 plus ये कितना हो जाएगा 10 square 2 5 हो जाएगा, राइट। एक तो ये हो गया, और यहाँ से तुम क्या करो 10 2 5 निकाल लो, 10 2 5 कितना हो जाएगा 2 tan 5 अपॉन 1 minus tan square 5, सही है। यहाँ पर इसको रखो तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ से हो जाएगा 1 minus ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2/3, ऊपर यहाँ पर जाएगा, देखो ये तो यहाँ से कट गया, ये कितना हो गया 4, ये यहाँ से कट गया, ये कितना हो गया 3 3, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 हो गया, सही है। 10 2 5 आ गया, अब तुम इसको यहाँ पर रख दो। मैंने तुम्हें बताया था एक क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर एक जगह थीटा बन रहा है और एक जगह 4 थीटा बन रहा है, तो ऐसे मत करो कि थीटा से 4 थीटा बनाओ, ठीक है। 4 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करो और 1 थीटा को 2 थीटा में ले जाओ, दोनों को मैच करा दो, तो थोड़ा सा मेहनत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर दो, तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3/4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 plus ये हो जाएगा 9/16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/16 हो गया। तो यहाँ से ये कट रहा है इधर, ये 4 बचा, 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24/25, हैंस प्रूफ। आ रहा समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ओके। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कैसे ले लिया, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप ले लेते हैं। cos x प्लस cos इनवर्स x बाई टू प्लस 1/2 रूट, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तुम थोड़ा सा इसको ध्यान लगाओ इधर, इसको ऑब्जर्व करो, ये अगर यहाँ पर प्लस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो ये अगर मैं समझो इसको ऐसे लिख दूँ, एक और एक एक्स ऐसे कर दिया, यहाँ पर हाफ कर दिया, प्लस ऐसे रख दो इसको, अच्छा 3 कॉमन निकाल सकते हो ना रूट से, रूट से जब तुम 3 कॉमन निकालोगे तो √3 बन के निकलेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 minus x square हो जाएगा। तो तुम देखो इसका स्क्वायर ये ऐसे हो रहा है, मतलब इसका स्क्वायर मतलब इसका 1 minus x square, और ये 1/2 का भी ये इस तरह से होता है। आ रहा समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और जब तुम इसको ओपन करोगे तो इसको ओपन कैसे करना है, ओपन तो ये ऐसे हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा cos इनवर्स यहाँ पर हाफ हो जाएगा, पर ये तो तभी ऐसे ओपन होगा अगर यहाँ पर x क्या हो जाए लेस देन हाफ हो जाए। आ रहा समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो तरीके से ओपन होगा ये, और हमें आगे यहाँ पर x के बारे में कुछ पता नहीं है, इसका मतलब दोनों लेके चलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। माइनस में तो होता ही है केसेस, आ रहा है समझ में यहाँ पर। और ये और कैसे ओपन हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन हाफ हो गया तब तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, समझ में आ रहा है ये, इस तरह से ये हो जाएगा हाफ, ऐसे हो जाएगा ये। माइनस साइन मतलब कैसे हो रहा है, बेसिकली जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, एक माइनस साइन में उधर ले जा रहा हूँ, मतलब ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना इस तरह से, कॉस इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर कितना होता है कॉस इनवर्स वाई, प्लस माइनस तो यहाँ पर होता है, राइट। पर हमने क्या किया, ये वाला माइनस उधर ले गए, बात तो एक ही है ना, फॉर्मूला तो लगना चाहिए बस यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, एक्स लेस देन वाई होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन वाई होता है। तो ये वाला जो माइनस है वो इधर ले गए हम लोग, क्यों, फॉर्मूला उल्टा लगा रहे हैं हम लोग,
आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे केस वन बनाना पड़ेगा। केस वन यहाँ पर ये यह है कि अगर यहाँ पर एक्स लेस देन हाफ हो जाएगा तब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स हाफ हो गया। तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया माइनस, अच्छा हाफ कितना होता है कॉस इनवर्स हाफ पाई बाई थ्री राइट, तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसके लिए सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हमने अगर बोल दिया कि एक्स अगर ग्रेटर देन हाफ हो जाए ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस साइन से खुलेगा, तो ये कितना जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कट जाएगा राइट, और यहाँ पर सिंपली पाई बाई थ्री आ जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं ठीक है। ओके अच्छा इक्वल टू का साइन तो तुम कहीं भी लगा सकते हो, इक्वल टू का तुम साइन इधर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा दो इक्वल टू का साइन, आंसर सही आना है। कैसे सही आना है तुम रख के देख लो, जब तुम यहाँ पर हाफ रख के देखोगे, चलो कर लेते हैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर यहाँ पर तुम कॉस इनवर्स हाफ रख के देखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई थ्री कितना आ जाएगा पाई बाई थ्री तो आ जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पर भी नीचे वाले में भी अगर इक्वल टू लगाते हो तो भी यहाँ पर कितना है पाई बाई थ्री आ तो रहा है, आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, और ले लेते हैं क्वेश्चन।